मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पार्टी का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। वैसे मैं महाराष्ट्र में बताना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैंने एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर ली है शरद पवार जी की, और हमारा जो वर्सोवा तेलुगा एरिया है उसका उसके जो फिल्म कल्चर डिपार्टमेंट जो है उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं पहले राजनीति में भी आपका पदार्पण हो गया है, क्या कहना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत प्यार मिला है अदाकारा के रूप में, और अब कुछ बीच में मैंने 5-6 साल का गैप लिया। 5-6 साल के गैप के बाद में एक दोबारा मैं इंडस्ट्री में वापसी ले रही हूँ, रिटर्न ले रही हूँ, बट एज अ प्रोड्यूसर। तो अब मेरी फिल्म प्रोडक्शन का नाम है वन होप स्टूडियोज़। तो जो प्यार मुझे एज ए अदाकारा मिला, प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मुझे वैसा ही प्यार मुझे एज अ प्रोड्यूसर दें, और जो भी मेरी आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे लेवल पर उसको कर सकूँ और अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अभी देखिए, वैसे तो मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है, तमिल है, तेलुगू है, हिंदी है, भोजपुरी है, लेकिन मुझे भोजपुरी से बहुत प्रसिद्धि मिली है, और मेरा ननिहाल भी बिहार से बिलोंग करता है, तो मेरा कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो हमारी जो पहली प्रोडक्शन है वो हम एक भोजपुरी फिल्म के साथ आ रहे हैं जो कि हम लोग लंदन में शूट कर रहे हैं, उसके लिए हमने रितेश और हर्षिता को साइन किया है, और 2023 में ये फिल्म उम्मीद कर रही हूँ ये आ जाएगी। कोरोना की वजह से थोड़ी लेट हो गई, वरना इसी साल ये फिल्म आ जाती। उसके बाद हमारा हॉट स्टार पे हमारी 10 फिल्में, शॉर्ट फिल्में नेक्स्ट ईयर तक हम लेकर आ रहे हैं। राजनीतिक करियर के बारे में बताना चाहेंगे, इसके बारे में इस बारे में? राजनीतिक करियर ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, जैसे मैं अदाकारा के लिए नहीं सोचा था। हमारे परिवार से कोई भी इस लाइन में नहीं है, इस फील्ड में नहीं है, उसी तरीके से राजनीति में भी कोई नहीं है। तो बिना सोचे समझे मुझे ये मौका मिला है, मैं कुदरत का मैं तोहफा ही समझती हूँ, और नरेंद्र वर्मा जी मेरे इसमें मेंटोर हैं, उनकी गाइडेंस में मैं हूँ। तो शुरुआत है, आशीर्वाद चाहिए, आप बस देखते जाइए क्या होता है आगे। भोजपुरी के टॉप के अभिनेताओं के साथ आप काम कर चुके हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ इस टाइप पे देखना पड़ेगा? आने वाले दिन में क्या, मैं अभी तो आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर अपने अभी प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हूँ। एक्टिंग के लिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। मनोज तिवारी जी को लेकर, रवि किशन जी को लेकर? आई वुड लव, रवि जी मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं रवि जी के साथ काफ़ी शोज़ भी किए हैं, और हमने लाइव शोज़ भी किए हैं, फिल्में की हैं साथ में, तो डेफिनेटली अब मैं बहुत जल्दी उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करूँगी। तो मैं कृषा जी के थ्रू ही आया, तो बस एक छोटा सा एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और बस एक टाइप का धन्यवाद है उनके लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बस एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू। ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत कि वो सब मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए ये आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में यहाँ की जनता की मांग है कि विधानसभा चुनाव में आप आए सामने। ये मेरी पार्टी तय करेगी, हम यहाँ पर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दो दो जनसंपर्क का कार्यालय में हम बैठते हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक लोगों के सवालों को, उनके तकलीफ़ों को, उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पार्टी ने निर्णय लिया, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया और जनता का आशीर्वाद होगा, तो इस इलाके की सेवा आने वाले दिनों में मैं ज़रूर करूँगा। सर, आपको महत्वपूर्ण पदों पर अभी नियुक्त किया गया है, राष्ट्रवादी के महासचिव बनाया गया, प्रवक्ता बनाया गया, उसके बारे में? ये आदरणीय पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब ने एक
छोटे से कार्यकर्ता को समय समय पर, जब मैं विद्यार्थी था तो प्रदेश का विद्यार्थी अध्यक्ष किया NSUI का, उसके बाद युवक का अध्यक्ष किया, फिर पेरेंट बॉडी का अध्यक्ष किया और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सचिव पद से उन्होंने मुझे गौरवान्वित किया और उसके बाद अभी महासचिव पद AICC यानी एक कार्यकर्ता के लिए संगठन से जो कार्यकर्ता आता है विद्यार्थी क्रांति से, युवक से, पेरेंट बॉडी और उसके बाद ऑल इंडिया पे ये जो जवाबदारी दी है ये एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने मुझ में दिया है और जितनी बड़ी जवाबदारी हो, जितना बड़ा पद होता है उतनी ही बड़ी जवाबदारी होती है और आने वाले दिनों में जो जवाबदारी दी है उसमें मैं खरा उतरूँ, इसी दिशा में मैं काम करने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि ये प्रेम है, आज मुंबई शहर में किसी को वक्त नहीं है, सब इंसान अपने जीवन की आपाधापी में लगे रहते हैं लेकिन वो सब आए। किसी को भी मैंने फ़ोन नहीं किया था, सिर्फ एक संदेश गया था और उसमें लोगों ने जो प्रेम आपने देखा तो ये लोगों का प्रेम है और ये प्रेम ऐसा ही बना रहे। आज इंसान सब कुछ कमा लेता है लेकिन लोगों का प्रेम और सच्चा विश्वास ये बहुत कम लोगों को मिलता है।